بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मैं अपने जिला वासियों को और अहले वतन को अपना पैगाम देना चाहता हूँ इस कुर्बानी के सिलसिले में कि हमारा मुल्क जहाँ हमारा बंदोबाश है यहाँ हमारे अहले वतन गैर मुस्लिम की तादाद ज़्यादा है और वो इस तरह की कुर्बानी को वो कतान पसंद नहीं करते, लिहाजा हम कुर्बानी करने में एहतियात से काम लें। ऐसी खुली जगह में हमारी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए जिसमें हर आने वाले जाने वालों को की नज़र पड़े और उसको देखकर तो उनको तकलीफ महसूस हों, लिहाजा कुर्बानी एहतियात के तौर पर जो है आम जगह छोड़ करके कुछ पर्दे का इख्तियार जरूर किया जाए। साथ ही साथ कुर्बानी करने के बाद एहतियाती तौर पर उसमें जो खून या हड्डी और कुछ चीज़ें जो बाकियात रह जाते हैं उसको बिल्कुल दफन करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कहीं कुत्ता या किसी जरिए से ऐसी आफतें ना आ जाए जिसको हम दो चार होते रहते हैं, वो हालतें हमारे दरपेश नहीं होनी चाहिए। लिहाजा कुर्बानी करने में आप अल्लाह के नाम पर कीजिए, अपने घरों में कीजिए, लेकिन वहाँ अपने अहले वतन का भी ख्याल जरूर रखा जाए, यानी इसी के अंदर हमारी भलाई और मसलहत है और शरीयत का तकाजा भी यही है। साथ ही साथ जो मैं ईद के सिलसिले में कहना चाहूँगा, जो मौजूदा हालत से हम दो चार हैं, COVID-19 का जो मसला हुआ है उस हुकूमत से जो लॉकडाउन हुकूमत की जानिब से हमारे लिए है, ये हमारे मसलहत के लिए है, इसको बुरा नहीं जानना चाहिए। और ईद की नमाज को हम ईदगाह में ना मना करके जिस तरह हमने ईद उल फितर मनाई है उसी हैसियत से हमको मनानी चाहिए और इस सिलसिले में भी जो गाइडलाइन हुकूमत का है उनका पूरा ख्याल करना चाहिए। वसल्लल्लाहु अला नबी मोहम्मद वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।